कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी पर कार्यवाही करने के लिए सेन समाज ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। शिवपुरी में विगत कुछ दिनों से कोलारस विधानसभा में तहलका मचा हुआ है। बता दें कि कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के पिछले कुछ दिनों से लगातार ऑडियो वायरल हो रहे हैं। ऑडियो वायरल के बाद लगातार सेन समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया है, जिसमें सेन समाज को अपशब्द कह रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का पुतला भी दहन किया गया है, जिसके बाद कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने एक वीडियो प्रसारित किया है, जिसमें उन्होंने सेन समाज से माफ़ी मांगी और कहा कि व्यक्ति विशेष के लिए उन्होंने ये बात कही थी। आक्रोश में समाज के लिए गलत शब्द निकल गया। इस पूरे मामले के बाद सेन समाज शांत नहीं बैठी। आज कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री ग्राम सेन समाज ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, इसलिए कार्यवाही ज़रूरी है। हमारा मामला ये है कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि एक भाजपा विधायक हैं जो कोलारस विधानसभा से आते हैं और काफ़ी चर्चित हैं। उन्होंने सेन समाज को व्यक्तिगत वार्तालाप में गाली दी है। ये उन्होंने माफ़ी मांग ली है, सुनने में आ रहा है। तो उन्होंने माफ़ी मांग ली है, माफ़ी मांग लेना एक हमारा स्वयं का संस्कार नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी स्वयं में संस्कारित पार्टी है और अपने संस्कार का परिचय पूरे विश्व को दे चुकी है। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम इसी ऐसी घटनाएं समाज में दोबारा ना हो और उन पर न्याय कार्रवाई हो। पहले भी बीजेपी ने धीरेन्द्र शास्त्री और इसमें क्या कहते हैं प्रीतम लोधी के मामले प्रीतम लोधी को सस्पेंड किया था। आपका क्या कहना है इस तरीके का? इसमें हम प्रीतम लोधी पे हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते। हमारे समाज का सामाजिक पृष्ठ नहीं, उसमें भी सामाजिक पृष्ठभूमि भी हमला हुआ था, इसमें भी सामाजिक पृष्ठभूमि पे हमला हुआ है, उसको लेके बात कर रहा हूँ। वो मुद्दा प्रीतम सिंह लोधी और अन्य समाजों के बीच का व्यक्तिगत मुद्दा था, इसमें सेन समाज कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। सेन समाज एक अपने आप में निष्पक्ष और ईमानदारी से कार्य करना समाज कार्य करने वाला समाज है और सभी वर्गों का ध्यान रखता है और समाज सेवा करता चला है। चूंकि पूरे मध्य प्रदेश में सेन समाज में कोई पूरी विधानसभा में कोई जनप्रतिनिधि न होने के कारण यह एक मुख्य कारण है कि आए दिन राजनीतिक दलों के नेता सेन समाज की टिप्पणी करते रहे। उन्होंने जिस व्यक्ति के प्रति ये शब्द बोले थे वो आपकी मतलब भाजपा पार्टी से वो आपके साथ नहीं आते ज्ञापन में जी? जिन्हें उन्होंने अगर भाजपा कार्यकर्ता है कोई हमारे समाज का है तो भाजपा कार्यकर्ता पार्टी का अनुशासन में रहकर और मर्यादित रूप से उनसे बातचीत कर सकते थे और मामला अपने सॉल्व कर सकते थे, किंतु यह मामला सोशल मीडिया पर आया, इस वजह से हम यहाँ एकत्रित हुए। आप क्या कार्रवाई चाहते हो उसमें? उसमें प्रशासन जो भी कार्रवाई करेगा न्याय कार्रवाई करेगा और ऐसी घटना की पुनः दोबारा ना हो। अगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या आगे कदम उठाएंगे? अगर उसमें जन आक्रोश शामिल होकर के पूरा सेन समाज संपूर्ण रूप से शामिल होकर उनके खिलाफ दोबारा से आंदोलन करेगा और शासन प्रशासन के माध्यम से हम दोबारा से चाहेंगे कि उनके खिलाफ इस जो विषय हुआ है जो घटना हुई है दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम चाहेंगे या तो शासन प्रशासन अपने संवैधानिक दायरे में रहकर उन पर शासनिक कार्रवाई कर दे, अगर नहीं होगा तो हम दोबारा से आंदोलन करेंगे।